देश का गृह मंत्री जुमलेबाज हो, उस देश के भविष्य का क्या होगा। गृह मंत्री श्री अमित शाह जी, आपने कल पूर्णिया की रैली में कहा पूर्णिया हवाई अड्डा बन गया है। अरे भाई तालियां बजाओ। ये मेरा गंभीर आरोप है माननीय अमित शाह जी आपके ऊपर, 11 दिन की नई धारा विकसित करना चाहते हैं। पूरे स्वतंत्रता संग्राम में देखिएगा कि बीजेपी आरएसएस के लोगों का कोई योगदान। भाजपा के वैसे नेता जो बिहार में सत्ता होने से बेचैन है, वो देश के गृह मंत्री के मिजाज से बोल ही नहीं रहे थे। नमस्कार, मेरा नाम बीना है और आप IVTV देख रहे हैं। अमित शाह अपने सीमांचल दौरे पर थे, ऐसे में उन्होंने पूर्णिया में जमकर महागठबंधन की सरकार को निशाने पर लिया। खासकर नीतीश कुमार पर उन्होंने जमकर सवाल खड़े किए और ये कहा कि नीतीश कुमार ने बिहार के विकास को जो है निचले स्तर पर पहुंचा दिया है, बिहार में अपराधों की वृद्धि हो गई है, भ्रष्टाचार बढ़ गया है। ऐसे में उन्होंने तीखा हमला जो है महागठबंधन की सरकार और खासकर नीतीश कुमार पर किया था। ऐसे में अब इसके पलटवार में जदयू के फायर ब्रांड नेता, चाहे वो विजय चौधरी हो, नीरज कुमार हो या फिर ललन सिंह हो, इन तमाम बड़े नेताओं ने उनके एक एक वार का पलटवार किया है। सुनिए कि इन नेताओं ने क्या कुछ कहा है अमित शाह को लेकर। गृह मंत्री श्री अमित शाह जी, आपने कल पूर्णिया की रैली में कहा पूर्णिया हवाई अड्डा बन गया है। अरे भाई तालियां बजाओ। तालियां बटोरना चाहते थे, तालियां तालियों की मांग कर रहे थे, लेकिन पूर्णिया के लोग तो जानते थे कि हवाई अड्डा का न्यू भी नहीं पड़ा है। जरा आप ही बता देना बिहार के लोगों को कि पूर्णिया का हवाई अड्डा कब बना, अभी न्यू भी नहीं पड़ा है। बिहार के लोगों को ठगना बंद कीजिए। जिस देश का गृह मंत्री जुमलेबाज हो, उस देश के भविष्य का क्या होगा। एकमात्र विकल्प है भाजपा मुक्त भारत, और भाजपा मुक्त भारत 2024 में होकर रहेगा। और ध्यान आकर्षण पर मैं केवल माननीय अमित शाह जी को लिखवा देना चाहता हूं, क्योंकि उन्माद नहीं, यहां लिखने पढ़ने की भाषा है, बिहार की धरती है। लिख लीजिएगा भारतीय जनता पार्टी के नेता, तत्कालीन वित्त मंत्री अरुण जेटली जी थे, वित्त मंत्री भारत सरकार के अर्ध सरकारी पत्रांक 4A-PF-12014 18/9/2015 को दिए गए उत्तर में भारत यह स्वीकार किया गया कि पूर्व में घोषित अनेक परियोजनाएं इस पैकेज में शामिल हैं। 1,25,000 करोड़ की राशि में 1,08,668 करोड़ पहले से प्रस्तावित है। यह पहले से प्रस्तावित था और वर्तमान में चल रही योजनाओं की इतना देर है, ये हम नहीं कह रहे हैं। और भारत सरकार के व्यय सचिव 20 अगस्त 2015 को बिहार के मुख्य सचिव को पत्र लिखकर अवगत कराया था। हम यह कहना चाहते हैं 28 अगस्त 2015 को माननीय अरुण जेटली जी का पत्र, 18 सितंबर 2015 का पत्र पढ़ लीजिए, आपको पता चल जाएगा कि वो पैकेज क्या है। तो पैकेज राज्य की, उस समय हम लोगों ने कहा था कि रीपैकेजिंग है, आज भी उस बात पर कायम है। जो पहले की योजनाएं चल रही थी उसके उसी में आपने राशि आवंटित किया 1,08,668 करोड़, तो आपने कितना दिया इस बिहार को, यह आपको स्पष्ट करना चाहिए। और माननीय अमित शाह जी ने, आपको याद नहीं था कि आप ऊर्जा के क्षेत्र में बोल रहे थे, बिजली के क्षेत्र में समस्तीपुर में नरेंद्र मोदी जी फंस गए थे 2015 के चुनाव में। हमको जहां तक स्मरण है वहीं पर जनता से कुछ बिजली मिलती है नहीं मिलती है,
कहाँ मिलती है, तो वही हाल हुआ इनका भी। कह बिजली के क्षेत्र में आपको याद नहीं है कि जिस समय आप सत्ता में आए उसके पहले 93% घरों तक हम लोगों ने विद्युतीकरण का कार्य कर लिए थे। 2014 में मोदी जी के सत्ता में आने से पहले 93% विद्युतीकरण हो चुका था, और देश के एकमात्र राजनेता नीतीश कुमार जी हैं जिन्होंने कहा था गांधी मैदान में कि बिजली की स्थिति में सुधार नहीं होगा तो वोट मांगने नहीं जाऊंगा। आपके साथ जुमला बात नहीं है कि 2 करोड़ रोजगार दे देंगे, फला चीज कर देंगे और इसके आधार पर अपनी बात कर रहे हैं। और माननीय अमित शाह जी, हम आपसे ही जानना चाहते हैं कि क्या माननीय अरुण जेटली के द्वारा दिए गए वो पत्र गलत है जिसमें उन्होंने ये स्वीकार किया था कि पूर्व का पैकेज शामिल था? क्या दिवंगत अरुण जेटली जी का सम्मान नहीं करना भारतीय जनता पार्टी का नया राजनीतिक कुसंस्कार बन गया है? यह स्पष्ट करें। और साथ ही साथ आपने हवाई अड्डा की बात किया, हवाई अड्डा तो अभी पूर्ण तौर पर नागरिकों के लिए ऑपरेटिव नहीं है। जरा यह भी बता देते कि दरभंगा में तो एयरपोर्ट बनाए हैं, क्या हाल है दरभंगा से और दिल्ली के बीच में जाने का? 25,000 से 30,000 किराया रहता है। तो आम लोगों के जीवन स्तर के बारे में नहीं सोचना, और देश के आप सबसे महंगे प्रधानमंत्री साबित हो रहे हैं। हवाई अड्डा का भी आम लोगों को सुपुर्द नहीं हुआ, और उसका श्रेय ले रहकर ताली बजाओ। पहली से ताली बजवाने की राजनीतिक संस्कृति माननीय अमित शाह जी, आपने यह कह दिया। एक पुल की चर्चा की, आपको मालूम है माननीय अमित शाह जी कि 121 पुल हम लोगों ने बनवाया बिहार सरकार ने, और सीमा सुरक्षा के लिए जो डीपी सड़क होती है 50 सड़क वो सीमा सुरक्षा के साथ साथ 16 जिलों के पंचायत के लिए सुविधाजनक साबित हो रहा है। इसलिए और ये कैसा राजनीति में दौर आया है जमुना और उस्ताद का जो खेल हो रहा है, देश के प्रथम नागरिक, ये मेरा गंभीर आरोप है माननीय अमित शाह जी आपके ऊपर। क्या राजनीति की नई धारा विकसित करना चाहते हैं कि देश के प्रथम नागरिक माननीय द्रौपदी मुर्मू जी देश की राष्ट्रपति बनी है? आप उनके संबोधन उनके नाम लेने में न जी का इस्तेमाल करना है। द्रौपदी मुर्मू जी कहना भी आपको मंजूर नहीं, श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी कह भी नहीं आप कहना चाहते, आदरणीय शब्द भी नहीं लगाते हैं। क्या देश के प्रथम नागरिक के प्रति भी सम्मान राजनीतिक बेचैनी में आपको इस कदर हो गया है कि आप उनके नाम के आगे में भी श्रीमती नहीं कह सकते हैं, आप आदरणीय नहीं लिख सकते हैं, आप संबोधन में आप केवल नाम ले रहे हैं? क्या ये देश के प्रथम नागरिक के प्रति सम्मान का भाव है? ये आदरणीय गृह मंत्री जी को यह स्पष्ट करना चाहिए। और इन्होंने कहा कि मतलब बताता है ना स्पष्ट रूप से, यही तो स्पष्ट करता है कि वो देश के गृह मंत्री के मिजाज से बोल ही नहीं रहे थे। अमित शाह जी सिर्फ और सिर्फ भाजपा के वैसे नेता जो बिहार में सत्ता खोने से बेचैन हैं, वो भाषा बोल रहे थे, वैसा देश का गृह मंत्री तो बोलता नहीं। देखिए ये सब तो अब उनको 24 में अपनी स्थिति काफी नाजुक दिख रही है, तो वो किशनगंज में पूजा करेंगे, आरएसएस के नेता मस्जिद मदरसे खानकाह पहुंच जाएंगे, तो ये सब तो चुनाव आ रहा है तो ये सब चीजें तो और बढ़ेंगी। लेकिन कर्म में क्या होगा? कर्म में यही होगा कि जो भारत के इतिहास में अल्पसंख्यकों के योगदान का पक्ष है ये उसको खत्म कर, ये अपना पक्ष जो पूरे स्वतंत्रता संग्राम में देखिएगा कि बीजेपी आरएसएस के लोगों का कोई योगदान नहीं, अब ये इतिहास बदल के अपना मैंने अपनी प्रासंगिकता बनाना चाहते हैं।
ये अब कह रहे हैं कि इतिहास जो लिखा गया वही गलत है, इसलिए कि इनकी न कोई भूमिका थी, इसलिए ये कहीं है नहीं स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में। तो अब ये इतिहास ही बदल देना चाहते हैं, और कल को यही कर देंगे कि भाई स्वतंत्रता संग्राम हम ही लड़े, बाकी गांधी हो, नेहरू हो, इन हो, ये सब कुछ थे ही नहीं, ये पूरी साजिश है। और देश के यही जो गृह मंत्री पूर्णिया आए थे, ये गृह मंत्री आधिकारिक बयान दे चुके हैं जो इस देश के इतिहास को फिर से लिखने की जरूरत है। ये क्या प्रदर्शित करता है? इतिहास बदलना चाहते हैं। आशीर्वाद इजी कॉन ग्रुप, भरोसे का दूसरा नाम। हम सिर्फ घर नहीं, खुशियां भी बनाते हैं। आशीर्वाद रोज वैली, जिसमें है प्रीमियम फ्लैट्स विद ऑल मॉडर्न अमेनिटीज। पटना में लेना चाहते हैं अपने सपनों का आशियाना, तो कीजिए हमारे इन नंबरों पर संपर्क।